बजाने के लिए जाता है चंपा को, मैं इसको जीवता नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका हत्या कर दूंगा। पिताजी बताओ। पिताजी मैं आपको भगवतता मान लूंगी पिताजी, परंतु पिताजी मेरी शर्त है पिताजी। कैसी शर्त है तेरी पिताजी? पिताजी देखिए पिताजी, जमीन पे चींटी चल रही है पिताजी, मैं उन्हें मार देती हूँ। अरे आप उन्हें चिंता कर देंगे पिताजी, मैं आपको अवश्य भाग विदाता मानूंगी पिताजी। मैं उस चींटी को जिंदा कर दूं? मैं चींटी को जिंदा करने वाला भाग विदाता नहीं हूँ। मैं तो अपने धन, अपने दौलत, अपने शान शौकत के ऊपर भाग विदाता हूँ। इसका मतलब हम पूछ गए, उस चिट्ठी को जिंदा वाले आप भाग विदाता न है? नहीं, आप कहिए ना, हम खैबू चौधरी भाग विदाता। क्या कहा? खैबू चौधरी। कैसा लगा? इसका नाम है चाभुक। इसका क्या नाम है? इसका नाम है चाभुक। इसके मारने से बेढंग जो घोड़ी होती है, घोड़ी बेलगाम की घोड़ी, तुम्हारे तरह घोड़ा बेलगाम का, जब ये चाभुक उसके बदन पर गिर जाता है तो वो चाल में चलना शुरू कर देता है। समझ गया? चंपा मुझे भाग विधाता क्यों नहीं मानती है? चंपा मुझे भाग विधाता मान जाओ, नहीं मानेगी तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। आप कुछ भी कर लीजिए पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भाग विधाता मानूं। कभी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानूं, कभी नहीं, कभी नहीं मानूंगी। अवतार वाला है मुझे भाग विधाता मानेगी कि नहीं मानेगी? भाग विधाता मुझे मान जाओ। महाराज ये मुझे भाग विधाता नहीं मानेगी, क्या करना होगा अब महाराज? इसको ले जाओ महल। अच्छा, और ये राजशाही लिबास जी, ये बस्तर उतार करके, ये बस्तर उतरवा करके और भंगा हुआ फटा हुआ बस्तर पहना के इसको घसीटते हुए मेरे सामने लेके आओ। ठीक है महाराज, चलो ले जाओ इसको। चलो जाओ। नहीं मानती, बताइए मेरी बेटी होकर के मुझे भाग विधाता नहीं मानती, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। किसी का बेटा बेटी अपने माता पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरे आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो बाहर का सदस्य हो, चाहे मेरे घर का सदस्य हो, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है, मेरे कानों को ना सुनने की आदत नहीं है। बुलाओ चंपा को, जल्दी बुलाओ जुल्मी,
मैं उसे बताऊंगा आज भाग विधाता वो कैसे नहीं मानती है। अहो नहीं अजे अम्मा नहीं हो भैया कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मुझे भाग विधाता कह दो, एक बार मुझे भाग विधाता कह दो, अभी भी मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। बताओ हे कबहुना हमनबा हो पिताजी कभी नहीं माने जी। बताओ मुझे बेटी भाग विधाता क्यों नहीं मानती है तू?
पिताजी, कैसे आपको भाग विधाता मानूं पिताजी? अगर तू भाग विधाता मुझे नहीं मानेगी तो मैं तुझे बहुत दुख दूंगा।